हे गाइस, वेलकम बैक टू एक और रिव्यू रिएक्शन स्लैश व्यूज उठाओ और सब्सक्राइबर बढ़ाओ कैंपेन हमारे और कुछ ना करो कंटेंट में और कंटेंट में थोड़ा ऐसे सो जाओ बस आज हम रिएक्ट करने वाले क्या हमारे फेवरेट यूट्यूबर दोबारा आ गए लंदन से वीडियो बना रहे हैं अपने अपने बेटे के कमरे में। अगर आप हमारे लास्ट इनकी वीडियोस में जाएंगे रिएक्शन पे तो आपको पता लग जाएगा हम क्यों रिएक्ट कर रहे हैं तुम्हारे इनसे आ रहे हैं क्या की हमारा चैनल चला रहे हैं। हाँ, तो तीन मूवीज का इन्होंने रिव्यू कराया पर रिएक्शन कंटारा डॉक्टर जी और तिरंगा उसकी है कोड नेम तिरंगा। ओहो क्या वो तो कोड नेम परिणीति चोपड़ा और हार्डी सांडू भाई किसी को नहीं पता वो मूवी। लेट्स स्टार्ट। आपको ये बता दूं कि मैं इस वक्त इंडिया में नहीं हूं। हाँ पता है दुबई में हूं। दुबई में नहीं लंदन में। ऐसी बात है वीडियो रिकॉर्ड करने की जगह नहीं है मतलब होटल के रूम में एडजस्टमेंट करके ये वीडियो रिकॉर्ड दुबई में तो घर में नहीं होना चाहिए। ये वीडियो मैं खाली मौज मस्ती के लिए नहीं बना रहा हूं बल्कि इसका बनना बहुत जरूरी बहुत जरूरी यही वजह है कि मैं लंदन में होते हुए भी होटल के रूम में एडजस्टमेंट करके इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज फ्राइडे है और आज 10 हिंदी फिल्में रिलीज हुई है। बताना बहुत जरूरी था तो मैं आपको बताऊंगा जरूर लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब करो यार लाइक भी करो ऐसे ये भी लगा रखा है हमने पीछे कोई देख के आता नहीं क्या ये देखो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अब आप ये पूछेंगे कि भाई साहब पिछले 2.5 साल से तो कोरोना है फिल्में बन नहीं रही थी तो फिर 10-10 फिल्में एक फ्राइडे को कैसे रिलीज हो रही है। एक्चुअली हुआ यूं कि कोरोना काल में भी लोग फिल्में बनाने पर लगे हुए थे। इन लोगों को ये उम्मीद थी कि ये अपनी सभी फिल्मों को OTT कंपनी 11 फिल्में रिलीज होंगी OTT कंपनीज को लूट लेंगे और ये रातों रात मिलियनर बन जाएंगे लेकिन हो गया उसका उल्टा। सिनेमा खुल गए कंपनीज ने कहा कि भाई हमें तो कोई फिल्म खरीदनी ही नहीं लेने वो मूवी नहीं ले रहे अपनी ले रहे फाइनली पर बहुत ली है मैंने तो आप पहले जाइए अपनी फिल्म को थिएटर में रिलीज कीजिए और फिर लेंगे फिल्म के राइट्स खरीदेंगे। किसी भी फिल्म के थिएटर में रिलीज होने का तभी आयुष्मान की फिल्म आने लगी है जाता है कि वो फिल्म कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। अगर वो फिल्म थिएटर पर अच्छा बिजनेस करती है तो इसका मतलब वो फिल्म अच्छी है और लोगों को वो फिल्म पसंद आ रही है तो OTT कंपनी होना ही ऐसी चाहिए है। और जो फिल्में थिएटर पर अच्छा बिजनेस नहीं करती कौन सी वो कोविड वाली OTT कंपनीज कहती है कि ये टाइम था तो हमें फ्री भी नहीं चाहिए। अब आपको चाहिए तो आप कमीशन पर रिलीज कर लें पैसे आएंगे तो हम आपको देंगे और जाहिर सी बात है पैसे नहीं आएंगे रिलीज होती है उसका कभी कुछ नहीं आता। पहले तो मैं आपको इन 10 फिल्मों के नाम बता देता हूं जो आज रिलीज हुई है। इनके नाम 10 फिल्में 11 कोड नेम तिरंगा मोदी जी की बेटी कंतारा तो अच्छी साउथ फिल्म है डब होके हिंदी में रिलीज हो रही है। जग्गू की लालटेन लव यू लोकतंत्रा कहानी रबर बैंड की ओ भाई साहब इसमें प्रतीक है वो और सीरीज वाला। वैसे तो मुझे पहले से ही पता है कि ये सारी फिल्में सुपर फ्लॉप होने वाली है लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो साउथ की फिल्म है कंतारा वो इन सभी हिंदी फिल्मों से ज्यादा बिजनेस कर रही है। वो जानने के बावजूद भी मैंने ट्विटर पर एक सर्वे किया और मैंने पब्लिक से पूछा सर्वे इस हफ्ते थिएटर में आप कौन सी फिल्म देखना पसंद करेंगे। पहला नंबर तिरंगा दूसरा नंबर डॉक्टर जी पहला नंबर तिरंगा कंतारा। मैंने सर्वे में सिर्फ इन तीन ही फिल्मों को रखा वो इसलिए कि ये तीन ही फिल्में हैं जो शायद कुछ बिजनेस करेंगी। बाकी फिल्में तो कहां लगी है कब उतरी है कब चली है किसी को पता नहीं चलेगा। मतलब बाकी के 7 फिल्में तो रिलीज होने से पहले ही डिजास्टर हो चुकी है तो उनके बारे में बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। इस सर्वे का रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त आया। इस सर्वे में ज्यादा लोगों ने वोट किया और इस सर्वे का रिजल्ट बहुत ही कमाल था। वो इसलिए कि 45% लोगों ने कहा कि भाई हमें तो कोई भी फिल्म नहीं देखनी है फ्री भी नहीं देखनी है no. अगर टिकट फ्री मिलेगा समोसा भी मिलेगा तो तब भी नहीं देखनी है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 55% लोग रह गए हैं जो बाकी की 10 फिल्मों को देखने वाले हैं। और जब 55% लोग 10 फिल्मों में बढ़ जाएंगे तो ये तो पहले से ही पता है कि भाई सारी ही फिल्में सुपर डुपर डिजास्टर होने वाली है। लेकिन कमाल ये है कि सिर्फ 5% लोगों ने कहा कि वो परिणीति चोपड़ा की फिल्म तिरंगा थिएटर में देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस फिल्म का पहले दिन का बिजनेस होगा जिससे 50 लाख रुपए सिर्फ 25 से 50 लाख से ज्यादा और लाइफ टाइम बिजनेस होगा मेरे ख्याल में 2 से 3 करोड़ रुपए ये भी ज्यादा है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भूषण कुमार साहब ने इस फिल्म पर 25 करोड़ रुपए लगाए हैं। जो हर फ्राइडे को एक दो फिल्म रिलीज करते ही करते हैं और
ये तो आपको पता ही है इसके बाद सही है पैसा यूट्यूब से मतलब गाने डाल डाल के वहीं गाने डाल देता है आपको ये जानकर हैरानी होगी इसमें तो बहुत पैसे हैं 100 करोड़ रुपए डॉक्टर जी को सिर्फ 13% लोग देखना चाहते हैं 100 करोड़ रुपए उस डबल ढोल के एक्टर की फिल्म है जो अपने आप को स्टार कहता है और एक फिल्म का 20 करोड़ रुपया भाई साहब तो अगर सिर्फ 13% लोग ही इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो इसका 3 करोड़ लोग इस फिल्म का बिजनेस पहले दिन का हो सकता है 1 से 2 करोड़ रुपए 12-13 करोड़ खत्म किया ना बिजनेस होगा ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 करोड़ रुपए इसका मतलब ये हुआ कि प्रोड्यूसर को शेयर मिलेगा मैक्सिमम 3.5 से 4 करोड़ रुपए मतलब लॉन्ग देखिए आप ये फिल्म इतना बिजनेस करेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फिल्म की पूरी रिकवरी 20 करोड़ रुपए से ज्यादा हो नहीं सकती तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि निर्माता इस डबल ढोल की एक्टर को 20 करोड़ रुपए किस कैलकुलेशन ये बात तो फैक्ट है वैसे आयुष्मान की फिल्म की पूरी रिकवरी ही 20 करोड़ रुपए होती है और यहां सरप्राइज करने वाला रिजल्ट आया फिल्म कंतारा का जो कि एक साउथ फिल्म है और डब होकर हिंदी में रिलीज हो रही है 37% पब्लिक इस फिल्म को थिएटर में देखना चाहती है इसका मतलब ये हुआ कि इस फिल्म का पहले दिन का बिजनेस 3 से 6 करोड़ रुपए हो सकता है इसका बजट 10 करोड़ रुपए होगा और वहां निकाल लिए मैंने पैसे वहां तो सुपर हिट है कि जो कंतारा का पहले दिन का बिजनेस होगा वो डॉक्टर ज्वाइंट बिजनेस से डबल होगा तो आप इंक्रीज होता रहेगा ना इसका बॉलीवुड की कितनी भारी बेइज्जती है डब करिए डब चोपड़ा और आयुष्मान खुराना बजट पे है ना सब कुछ बजट इतना कम है तो प्रॉफिटेबिलिटी आयुष्मान ले रहा 20 करोड़ रुपए वो इनकी फिल्म साले को चप्पल लेने के लिए पैसे दिए हकीकत तो ये है कि अगर बॉलीवुड इंडियन सिनेमा ये कौन से फोटोज लेता है ये लेकिन जाहिर सी बात है इनको शर्म तो है नहीं सही बात है शर्म नहीं आती इनको और ये अवार्ड लेने भी चले जाते हैं अवार्ड लेने तो पहले ही 2 मिनट में बोलते रहेंगे जब तक कि पूरी तरह फ्लॉप होकर घर पर बैठ नहीं जाएंगे अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि ईगो है ना बस वही है ईगो हो रखी है तारा को तो जो बाकी की 9 हिंदी फिल्में रिलीज हो रही है उनकी कीमत है तकरीबन 150 करोड़ पूरा लॉस है और इन सभी फिल्मों की रिकवरी होगी मैक्सिमम 30 से 40 करोड़ रुपए यानी तो बहुत ज्यादा 100 करोड़ रुपए का नुकसान आज ही होगा बॉलीवुड को और ये ऐसा पहला फ्राइडे नहीं है जब बॉलीवुड को 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है हर फ्राइडे का यही हाल है यही हाल बॉलीवुड को 100-200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है इसके बावजूद भी हर फ्राइडे 5 से 10 फिल्में रिलीज हो रही हैं अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन पैसे लगा रहा है और किसके पैसे जा रहे हैं जिनसे ये सारी फिल्में बनाई जाती हैं ईमानदारी और मेहनत हमें दे रही है पैसे अच्छा तो इससे तो हमें कंटेंट निकाल दूसरे को तो पता है हमें यूट्यूब में जो उन्होंने उड़ाएगा नहीं तो गाने डाल रखे दारू वाले 1 बिलियन व्यूज आ जाते हैं पैसे अंदर बॉलीवुड में इस तरह से पैसा उड़ाया जाता है टेक केयर दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम पर इस मूवी का तो कोई रिव्यू था ही नहीं ये तो इसने पहले ही ये बॉक्स ऑफिस पहले ही बता देते हैं मूवी तो मूवी के रिव्यू दिया नहीं बताई नहीं मूवी अच्छी बुरी है बाकी 10-15 बता दिए नहीं बता ये मूवी आ रही है इसका बजट ये और मूवी का रिव्यू है नहीं तो हम बता देते हैं मूवी का रिव्यू डॉक्टर जी तो बहुत बेकार है मतलब मैं आधा घंटा नहीं देख पाया भाई वो मतलब आयुष्मान को अब लिटरली ना चंडीगढ़ में वापस चले जाने चाहिए या फिर रोडीज में ऑडिशन कर लेंगे रोडीज मतलब एक ही चीज पेलता रहता बंदा पेलता रहता ना ये मूवी इसी के लिए बनी है इसी के लिए मतलब OTT पे आने के लिए OTT के लिए भी नहीं बनी है मतलब लिटरली बहुत बुरी है सारे रिव्यूज जिसके बुरे आप देख ही नहीं पाओगे आधा घंटे के बाद ऐसा लग रहा है आयुष्मान का मन ही नहीं कर रहा है ये मूवी देखने का और जो दूसरी है कहते तिरंगा इतना टाइम नहीं है कि भाई परिणीति को इतना एक सेकंड नहीं देख सकते इंस्टाग्राम में भी आ जाती है उसको हार्डी तो पता नहीं अपने हार्डी के तो गाने गाए ना क्या कहते तिरंगा मूवी में और दूसरी जो कंटारा वो देख रहे हैं वो पता है मेरे को मैं कह रहा हूँ गाने गाए मूवी छोड़े गाने सुन लेंगे इसके ये नहीं कर सकते हम और क्या कंटारा अच्छी है देख रहे हैं बहुत अच्छी मूवी है कंटारा सबको रिकमेंडेड है देखिए हिंदी में डब करके यू नो अलग अलग चीजें पता चलती हैं क्या हो रहा है एक 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 वो भी बिल्कुल एक अलग सिटी टाइप है वहां पे गांव टाइप है मतलब वो बिल्कुल ही अलग है क्या बोलते हैं कर्नाटका में तो उसकी पूरी स्टोरी है क्या उनका है अपना बड़ा जबरदस्त मूवी है वो आप देखिए और बस यही है और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए लाइक जरूर करिए शिवराज हम पहले ही बोलते थे बाद में बोलते हैं क्योंकि हम डेस्परेट है बाय सब्सक्राइब।